में निकल गए। अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ कहा सोच के गए थे क्या हो गया? अरे हम लोग गए थे अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को स्वागत करने, वहाँ देखे के लोजपा के नेता सब गुजर रहे हैं। कौन थे? पासवान थे, क्लियर था, लेकिन हम लोग धोखा में जो है अपना फूल माला वापस कर लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बाप कैसे फूल नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद सर। बिहार में जातीय जनगणना विपक्ष जो है हमला कर रहा है, बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो है विपक्ष जो है जोरदार हमला कर रहा है जातीय को लेकर। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? तो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा शक्ति का देन है कि ऐसा फैसला उन्होंने जातीय आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी किया है। ये बिहार के ये मॉडल जो है नीतीश मॉडल जो है पूरा देश को लागू करना। आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे आप लोग, मांग हो रही है, देखते रहिए। आरक्षण का दायरा निश्चित रूप से बढ़ेगा, जिसका जितनी भागीदारी उसका उसकी हिस्सेदारी। आज उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे बेगूसराय, मुंगेर जाने के क्रम में हम लोगों ने अपना मांग रखा है कि बेगूसराय में अति पिछड़ों की 14 लाख आबादी है लोकसभा क्षेत्र में, तो अति पिछड़ा समाज से हमारे समाज से इस बार उम्मीदवार देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी का हम लोग पावर हाउस में नगर के कार्यकर्ता नेता और जिला भर के जो हमारे पदाधिकारी थे, मेरे नेतृत्व में डॉक्टर एहक उर्फ लुलू अंसारी के नेतृत्व में उनका आज यहाँ ज़बरदस्त स्वागत किया गया और नीतीश कुमार उमेश सिंह ललन सिंह जिंदाबाद के नारों से पूरा चौक गूंज उठा था। क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, और उधर से लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आ गए, आप लोग माला पहनाने भी पहुंच गए, पता चला कि चिराग जी हैं। हम लोग यही समझे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी तशरीफ ले आए हैं। इससे पहले बात चल रही थी बस नज़दीक में है, अब जब वहाँ गए तो हम लोग मुँह देखा तो माननीय चिराग पासवान जी थे, तो हम लोग थम सा गए कि अरे अब क्या करें, कहीं देंगे वो नाराज हो जाएंगे। हम लोग जिंदाबाद का नारा लगाते नीतीश कुमार का तो उनको तकलीफ हो जाती, इसलिए प्रणाम पाती करके उनको आगे बढ़ा दिए। ये लोग प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान का काफिला आ गया,
उमेश कुशवाहा नहीं है, चिराग पासवान है। उसके बाद काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये बड़ा रोचक हो गया मामला। आप लोग भी नहीं सोचे थे? हम लोग भी ऐसा सोच नहीं पाए थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो भी तो अपने ही समाज के लोग थे। ये खुशी हुई कि चलो वो भी दौरा कर रहे हैं। जातीय गिनती हुई है, क्या कहेंगे इसको? तो मेरा डिमांड यही है कि चूँकि हम लोग जदयू के कार्यकर्ता यहाँ सशक्त हैं और हमारी जनसंख्या भी अधिक है और हम लोग तरसते रह जाते हैं कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से या बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी होना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का प्रत्याशी होना चाहिए लोकसभा में? ये सिर्फ हम नहीं चाह रहे हैं, हमारी जो 14 लाख अति पिछड़ों की आबादी है वो सब लोग चाह रहे हैं। अच्छा, और हम लोग अपना मांग भी आज रख दिए हैं उमेश कुशवाहा जी से, और हम लोग आशा करेंगे कि इस पे जरूर इस बार हम लोग को मौका दिया जाएगा। हमारे समाज से, हमारे गांव से उठ के कोई अति पिछड़ा समाज का बेटा आएगा, बेगूसराय लोकसभा जीत के जाएगा। सुमित प्रधान, और अब हम मांग करते हैं कि अगर बेगूसराय में मिले तो अति पिछड़ा समाज को मिले और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज को मिले, क्योंकि 76 वर्ष की आज़ादी में बेगूसराय का अति पिछड़ा समाज जो सबसे अधिक आबादी वाला है वो वोट बैंक बनकर सबका रह गया है, और नीतीश कुमार से आशा है कि वो इसको इसका बेड़ा पार लगाएंगे। क्या कहना है? यही कहना है कि हर जुल्म से टकराएगी आंधी, बनाऊंगा नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा।